भारत चीन सीमा तनाव के बीच चीन ने बड़ा फैसला लिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर के कमांडर जनरल झाओ जोंगकी को हटा दिया है। जनरल झाओ जोंगकी वही सैन्य ऑफिसर हैं जिसकी अगुवाई में चीन ने गलवान में भारत पर हमला किया था। यही नहीं, जनरल झाओ जोंगकी 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व कर रहे थे, जहां भारतीय सेना सीमा के बेहद करीब सड़क बिछाने की योजना में जुटी चीनी सैनिकों के आमने सामने थी। बता दें कि पीएलए का वेस्टर्न थिएटर कमांड ही लद्दाख में चीन भारत बॉर्डर की निगरानी करता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी नए सैन्य अधिकारी जनरल झांग जुदांग को सौंपी है, यानी कि अब जनरल झांग जुदांग की अगुवाई में लद्दाख में चीनी सैनिकों की तैनाती होगी। खास बात यह है कि जनरल झांग जुदांग को इस नियुक्ति से पहले इंडियन बॉर्डर का कोई अनुभव नहीं है। जनरल झांग जुदांग और जनरल झाओ जोंगकी के बीच सबसे बड़ा अंतर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर है। डोकलाम और गलवान में भारत के साथ टकराव में अहम रोल निभाने वाले जनरल झाओ जोंगकी सैन्य अधिकारी होते हुए भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे। जनरल झाओ जोंगकी इस साल 65 वर्ष के हो चुके थे। ये उम्र चीन की सेना में रिटायरमेंट का है, लेकिन जनरल झाओ शी जिनपिंग की वरदहस्त की बदौलत अपनी नौकरी बचाए हुए थे। बता दें कि जनरल झाओ कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। माना जा रहा था कि भारत के साथ विवाद में अपर हैंड हासिल कर वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपने लिए सीट हासिल करना चाहते थे, जहां वो 72 साल पूरे होने तक का काम कर सकते थे। वहीं भारतीय सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि नए नवेले जनरल झांग जुदांग की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और उम्मीद की जाती है कि वो अपने फैसले परिस्थितियों की मेरिट के आधार पर लेंगे। हालांकि चीन पर नजर रखने वाले भारतीय राजनयिकों का कहना है कि जनरल झांग जुदांग की नियुक्ति से भारत को तनाव कम होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत को लेकर चीन में फैसले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।